मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा में विधानसभा चुनाव दावेदारों की लंबी लिस्ट है और दावेदार शक्ति प्रदर्शन कर संगठन का ध्यान अपनी ओर खींचने में जुटे हैं। इन सब के बीच इंदौर जिले की महू विधानसभा में सामने आए नए नाम अशोक सैनी ने सबको चौंका दिया है, जिसकी गूंज दिल्ली दरबार में सुनाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के दावेदार जोर आजमाइश जारी है। अब महू विधानसभा में कांग्रेस भी दमदार उम्मीदवार लाना चाहती है, इसलिए अब यहां से नए जातिवाद समीकरण को देखते हुए ओबीसी के उम्मीदवार को उतारने का मन बनाया जा रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो दिन पहले कांग्रेस के दिल्ली दरबार में महू की सीट को लेकर मुद्दा उठा था, जिसमें पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने अपने बेटे का नाम आगे रख दिया। इससे कांग्रेस से गुस्सा हुई और दिग्विजय से जुड़े लोगों ने कहा कि अभी तक यहां स्वर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया जाता रहा है, जबकि यहां ओबीसी बाहुल्य इलाका है, इसलिए अब यहां ओबीसी नेता को टिकट देना चाहिए। इसी के चलते चोरल की होटल सैनी के संचालक अशोक सैनी का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि सैनी दो बार से सरपंच है और पूरे इलाके में अच्छा नेटवर्क होने के साथ मिलनसार व्यवहार के कारण उन्होंने क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। हालांकि अभी सबको इंतजार है कि कांग्रेस संगठन किसे अपना उम्मीदवार घोषित करता है।